चांदनी जी, वेलकम टू गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया. थैंक यू सो मच. सो जो बातचीत का सिलसिला है वो स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से. जी हाँ, मैं चांदनी सिंह जम्वाल हूँ. मैं रहने वाली पठानकोट से हूँ, पर मेरी शादी को हुए कम से कम 22 साल हो चुके हैं. पति मेरे हैं हॉस्पिटैलिटी में हैं और बेटा मेरा अमेरिका पढ़ रहा है. बहुत देर से मैं अपने लिए कुछ करना चाह रही थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था. आपको पता है एक हाउसवाइफ होना, हालांकि मैं काम कर चुकी हूँ एज अ जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग, रियल इस्टेट में कर चुकी हूँ, काफ़ी टीम हैंडल कर चुकी हूँ, लेकिन बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कभी अपने बारे में सोचने का. मैं बहुत थैंकफुल हूँ गृह लक्ष्मी को कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है. अब देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं. सो आप एक गृह लक्ष्मी हैं. जी हाँ. तो आपको अगर बोला जाए, आपसे पूछा जाए कि अगर एक शब्द में खुद को डिफाइन कीजिए, तो वो शब्द क्या होगा, किस शब्द से खुद को गृह लक्ष्मी बोलेंगे? मैं जो हूँ मैं सबसे बेस्ट हूँ मुझे लगता है इन ऑल मैटर्स. जी. सो इतने सारे जो रोल्स आप अपने लाइफ में जो भी रोल्स प्ले करती होंगे, एक माँ का रोल प्ले जी जी, वाइफ का हो गया जी, तो इसके अलावा कितने रोल्स हैं जो आप अपने लाइफ में प्ले कर रही हैं? अगर मैं बताने में आऊँगी तो शायद सारा हमारा ये टाइम ही ख़त्म हो जाएगा. इट्स नॉट ईजी, आसान नहीं है सारे इकट्ठे काम करना. एक बेटी का, एक बहू का, ये तो नॉर्मली हम करते ही हैं. आप काम भी कर रहे हैं, टीम भी संभाल रहे हैं, आप चैरिटी में भी खूब सारा काम कर रहे हैं. मैं नोएडा में काम करती हूँ, अरुण विहार वेलफेयर एसोसिएशन है नोएडा में. वहाँ पर हम लोग जितने भी हमारे आर्मी ऑफिसर्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनका हम देखभाल करते हैं उनको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं उनकी. और जैसे बोलते हैं, जिनको बोलते हैं कि बच्चे हैं जो पुअर बैकग्राउंड से हैं, काफ़ी बच्चे, उनको जाती हूँ मैं, इंग्लिश पढ़ाती हूँ गवर्नमेंट स्कूल में. अब मैं इतनी अमेज्ड हूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं इतने अच्छे हैं पढ़ाई में, मतलब वो मन से सीखना चाहते हैं अंग्रेज़ी, इतना खुश होकर पढ़ते हैं वो बच्चे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ा के. बिल्कुल बिल्कुल जी. तो आप जो इतने सारे काम कर रही हैं अपने लाइफ जी, मुझे लगता है जब एक औरत ठान लेती है कि मुझे हर फील्ड में कुछ ना कुछ करना है, हर जगह में जाके अपना नाम कमाना है, कुछ अच्छा करना है सोसाइटी के लिए, कुछ अपने घर के लिए करना है, कुछ बाहर के लोगों को हेल्प करनी है, तो औरत कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, नामुमकिन नहीं है किसी चीज़ को. बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, आप कर भी रही हैं. जी थैंक यू. तो इतने सारे आप जब रोल प्ले करती हैं अपनी लाइफ में, तो एक एक ऐसा होता है कि खुद के लिए कभी एक मी टाइम होता है. जी, कि आप अपने मी टाइम को निकालिए और अपने लिए कुछ चीज़ें, जैसे कभी किताबें पढ़ने का शौक है तो किताबें पढ़ लिया, गार्डनिंग का शौक है तो गार्डनिंग कर लिया. मुझे मुझे डांस करने का, सॉरी, मी टाइम. हाँ जी, ऑफ कोर्स आप अपना मी टाइम. मैं शुरू से बचपन से ही मुझे बहुत शौक है डांस करने का. अच्छा. और गाना गाने का. nice, nice. जी, तो मैं शुरू से ही इस चीज़ में हूँ और मैं हमेशा से चाहती थी कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर करूँ. तो आज मैं वो करने जा रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है अपने लिए, आज मैं कुछ कर पा रही हूँ. So, मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत ही ब्यूटीफुल एक ड्रेस पहनी हुई है. थैंक यू. सो आप फैशन को लेकर आपके विचार जानना चाहूँगी, आइडिया जानना चाहूँगी. जी, मैं शुरू से ही काफ़ी नोन रही हूँ फैशन को लेकर अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, कि अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करती हूँ. शुरू से ही मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मन में शुरू से ही था कि मुझे एक फैशन उसमें इंडस्ट्री में कुछ करना है, अपने लिए कुछ जाना है. इतने सालों के बाद आज मौका मिला है मुझे और मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कुछ कर पाऊँ अपने लिए. बहुत अच्छा कर रही हूँ. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा कर रही हूँ. थैंक यू. तो आप इतने सारे काम कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, आप अपने लिए भी टाइम निकाल रही हैं. तो इन सब के बीच अगर मैं पूछना चाहूँ कि अपने खाने का कैसे ध्यान रखती हैं आप, और किचन में कितना टाइम स्पेंड करती हैं, क्या क्या बनाती हैं, क्या क्या खाती हैं? अगर आप खाने के लिए मुझे पूछोगे तो मैं काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हूँ. अगर मुझे एक चीज़ बताई जाए कि भैया आपको ये नहीं खाना है, अब आपको मैं सच बताऊँ, अभी यहाँ आने के लिए बहुत कुछ छोड़ के आई हूँ मैं, नहीं तो आई हैव अ स्वीट टूथ. मेरे को मीठा इतना पसंद है, मैं खाना छोड़ सकती हूँ, मीठा नहीं छोड़ सकती हूँ. पर यहाँ आने के लिए मुझे बहुत दिनों से मैंने मीठा नहीं खाया है. और सीरियसली मैं
चाह रही हूँ कि अब कुछ मीठा मिले और मैं खाऊं। और कुछ बनाती भी है आप किचन में? जी हाँ, मुझे बहुत शौक है, पर मैं कॉन्टिनेंटल खाना ज़्यादा बनाती हूँ, अंग्रेजी खाना ज़्यादा बनाती हूँ। इंडियन खाना इतना अच्छा नहीं बना पाती हूँ, पर अंग्रेजी खाना काफ़ी अच्छा बना लेती हूँ। मुझे तो आपकी लाइफ तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे, तो इसके बाद जो फ्यूचर प्लान्स होंगे आपके, कुछ के कुछ अपने बारे में सोच रखा है? जी अब ये तो ग्रह लक्ष्मी क्राउन डिसाइड करेगा कि आगे फ्यूचर कहाँ जाता है। सो ग्रह लक्ष्मी के दर्शकों को अगर आप कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे वो क्या होगा? मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मुझे बहुत पहले आना चाहिए था यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर, अब आई डोंट थिंक सो ज़्यादा लेट हुआ है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ग्रह लक्ष्मी। थैंक यू सो मच।